होमेज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइड चिकन मोमो, जिसे बनाना बहुत आसान है। इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल तरीके से रेसिपी बताऊंगी, जिससे आपके चिकन फ्राइड मोमोज भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फिर मोमोज बनाना इतना ही आसान है, तो क्यों ना घर पे बना के सब घर वालों को खुश किया जाए। तो इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वह बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्राइड चिकन मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आटा गूंदेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ही आटा इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, तो अब हम इसको गूंद लेते हैं थोड़ी देर। आटा आपने सख्त रखना है, अगर आटा आपका नरम हो गया तो ये मोमोज आपसे हैंडल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं रखना, बस थोड़ा सा टाइट आटा गूंदना है आपने। ये देखें, इस तरह से अब ये गूंद गया है। इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। इसके साथ ही हम यहाँ पे एक इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाल के इसको भी इस तरह पानी से घोल लिया है। ये देखें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ये इसका लिक्विड बैटर तैयार है। अब आ जाती है बारी चिकन की। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लेके उसमें आधी शिमला मिर्च डाल के उसको चॉपर में बारीक पीस लिया है। अब इसमें डालते हैं बाकी मसाले। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ही नमक डाल दिया है, 2 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाले है। इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक भी चॉप करके डाल सकते हैं। ये भी रेडी हो गया, अब इसको साइड पे करते हैं। तो उतनी देर में हमारी डो भी तैयार हो गई है। अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। इसको आप बहुत से तरीकों से बना सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बना के उसकी रोटी बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक ही रोटी बड़ी बेल के काटना ज्यादा आसान होता है। इस तरह के ढक्कन वगैरह तो सब घरों में अवेलेबल होते हैं। कोई भी डिब्बे का ढक्कन ले लें, उसको इस तरह से ये काट लें, ये छोटी छोटी सी रोटियां बन जाएंगी। जो साइडों पे लगा हुआ है उसको अलग कर लें। अब हम ये इस तरह से एक छोटी सी रोटी को उठाएंगे, हाथ पे रखेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें चिकन वाला मटेरियल डालना है। अब ये देखें इसकी पैकिंग किस तरह करनी, इधर से ऐसे चुटकी भर के दूसरी साइड से इसको अटैच कर देना है। इस तरह से एक तरफ से प्लेट्स डालते जाएंगे और दूसरी साइड के साथ इसको जोड़ते जाएंगे। ये देखिए, अब ऊपर से थोड़ा सा आप प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए और ये एक आपका मोमो तैयार हो गया। दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से आपने बंद कर दिया, फिर ये इस तरह से एक प्लेट बनाएंगे, ऐसे अटैच कर देंगे। इस तरह से चुटकी भर के प्लेट बनाते जाएं और दूसरी साइड से अटैच करते जाएं और ये आपका एक प्यारा सा मोमो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैंने 2 पैकेट कुरकुरे के लिए थे, जो स्पाइसी कुरकुरे आते हैं, उनको हाथ से आपने इस तरह से क्रश कर लेना है। बहुत बारीक नहीं पीसना, बस मोटे मोटे से इस तरह से हाथों से ही क्रश हो जाएगा ये इजिली। यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें रेडी है, स्लरी भी और कुरकुरे के जो हमने तोड़ के रखे थे वो भी रेडी है। एक मोमो को उठाएंगे, उसको पहले स्लरी में ये जो हमने मैदे का घोल बनाया था उसमें डिप करेंगे। उसमें से निकाल के हमने इसके ऊपर ये कोटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज बताती चलूँ, आपने ब्रेड क्रम्स यूज नहीं करने, क्योंकि जब आप ब्रेड क्रम्स यूज करेंगे तो ये सॉगी हो जाएंगे। फ्राई होने के बाद 2 मिनट भी पड़े रहेंगे तो सॉगी हो जाएंगे। इसके लिए आप कुरकुरे, चिप्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स यूज कर सकते हैं, बट ब्रेड क्रम्स यूज ना कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से हो गया। अब बाकी सबको भी हम इसी तरह से पहले स्लरी में कोट करेंगे, उसके बाद हमने इसके ऊपर ये वाली कोटिंग करनी है जो कि हमने कुरकुरे को क्रश करके बनाया। ये सारे मोमोज हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम करते हैं इनको फ्राई। तो इसके लिए ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपने गर्म नहीं करना। उससे क्या होगा कि हमारे जो मोमोज हैं वो ऊपर से फटाफट ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन आपको याद है कि हमने अंदर कच्चे कीमे की फिलिंग की है, तो वो फिर पकेगा नहीं सही तरीके से। मीडियम हॉट ऑयल पे इसको फ्राई करेंगे, इस तरह साइड टर्न करते जाएंगे, और जब ये इस तरह सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। हमने इनको ज्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे सब
को। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके क्रंची क्रिस्पी से फ्राइड चिकन मोमोज बन के रेडी हैं। आप इनको अपनी फेवरेट सॉस, केचप, किसी भी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।